हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक गुजराती और बंगाली स्टाइल जो साड़ी रैपिंग होती है उसका दोनों का मिक्स एक अलग ही वर्जन आपके लिए लेकर आई हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल रैपिंग है, बहुत ही इजी है और बहुत ही अच्छा लुक ये देती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस को आप मिस ना कर सकें। यहाँ पर देखिएगा, मेरे पास एक येलो कलर की साड़ी है, ब्लैक कलर में इसकी गोल्डन और ब्लैक कलर में इसकी बॉर्डर है और प्लेन येलो कलर है। तो इस तरीके की कॉटन मिक्स ये साड़ी है, इसे लिनन साड़ी भी कहा जाता है। तो फर्स्ट राउंड यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है और साड़ी का जो पोर्शन है तो बहुत ही सुंदर है। इसका जो ब्लाउज पीस है वो भी बहुत ही सुंदर है और जो पल्लू का पोर्शन है वो भी बहुत सुंदर है। इस पर इस तरीके के टैजल्स भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट राउंड साड़ी का कंप्लीट कर लिया है और जो साड़ी की बॉर्डर है उसको अब मैं इस तरीके से अच्छी तरीके से उभर कर दिखनी चाहिए, या इस साड़ी के लिए बॉर्डर वाली साड़ी अगर आप चूज़ करते हैं तो बहुत ही सुंदर लुक आता है, प्यारा लुक आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि कॉटन की साड़ी ही हो, आपके पास जो साड़ी हो, सिल्क की साड़ी या फिर जॉर्जेट टेरिकॉट जो भी साड़ी है, सिर्फ उसके बॉर्डर अगर होगी तो वो ये लुक बहुत ही सुंदर और प्यारा लगता है। तो इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, ये कॉटन की साड़ी है तो थोड़ा सा इसके प्लेट्स बनाना, थोड़ा सा फैब्रिक कड़क है, हार्ड है, तो इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करते हुए मैं इसके जो है तो अच्छी तरीके से प्लेट्स बना लूँगी। और जिस तरीके से बंगाली साड़ी रैपिंग में हम पल्लू लेते हैं सामने की तरफ से, तो उसी तरीके से मैंने अभी यहाँ पर पल्लू का पोर्शन जो है तो ऊपर की तरफ लेकर लेते हुए सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। और पल्लू आप देख पा रहे होंगे कि पीछे की साइड में काफ़ी बड़ा पल्लू मैंने लिया हुआ है। और बाद में अब सामने का जो पोर्शन आता है यहाँ पर, तो हम इसके प्लेट्स बना लेंगे, इसके अच्छी तरीके से प्लेट्स बना लेने हैं वन बाय वन करते हुए, और अच्छी तरीके से हमें इसको सेट भी करना है। ये साड़ी रैपिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, बहुत ही सुंदर लगती है। आप किसी भी फंक्शन पर, पार्टी पर, ओकेजन्स पर इसको इजीली वेयर कर सकते हैं और एक अलग तरीके की रैपिंग ये लगती है जो कि बहुत ही सुंदर आपको प्यारा लुक देती है। और इसी तरीके के अलग अलग रैपिंग स्टाइल्स मैं आपके लिए लेकर आती हूँ। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर बनता है, साथ ही साथ आप चाहे तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने इस तरीके की प्लीट्स बना ली है और देखिएगा पल्लू का जो पोर्शन है वो भी कितने अच्छी तरीके से सेट हो चुका है और नीचे के जो फ्रंट प्लीट्स है वो भी कितने अच्छी तरीके से सेट हो चुके हैं। और यहाँ पर इस तरीके से हम इसको अच्छी तरीके से कमर में टकिंग कर देंगे और यहाँ पर मैं एक जो ब्रोच वाली पिन आती है उसको लगाकर सेट कर दूंगी। और जो ऊपर की तरफ पल्लू का पोर्शन जा रहा है, बॉर्डर जा रही है, उसकी वजह से यहाँ पर इस तरीके की प्लीट्स तैयार हो जाती है। तो इसकी वजह से इसका जो लुक है वो एकदम से प्यारा आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। सो इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और इसको मैं अभी इसी तरीके से रहने दूंगी। नीचे से भी आप देख पा रहे होंगे कि इतने अच्छी तरीके से यहाँ पर प्लीट्स रेडी हो चुकी है और कितना अच्छा लुक यहाँ पर सामने की तरफ से लग रहा है। तो इस तरीके का पोर्शन अगर हमारा आता है तो बहुत ही प्यारा और सुंदर लुक लगता है। सिर्फ हमें यहाँ पर प्लीट्स का ध्यान रखना है इस वाले साड़ी रैपिंग में। अगर आपकी प्लीट्स अच्छी तरीके से इसी तरीके से दिखेगी तो बहुत ही सुंदर लगता है। अब जो पल्लू का पोर्शन हमने पीछे की साइड में रखा था वो काफ़ी बड़ा था क्योंकि हमें सामने की तरफ ये पल्लू लाना है। तो मैं अभी यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी क्योंकि हमें ये प्लीट्स सामने की तरफ लेकर आना है। गुजराती स्टाइल में जिस तरीके से हम सीधा पल्लू लेते हैं उसी तरीके से पल्लू हमें लेना है, तो इस तरीके से हम बना लेंगे और पीछे से मैं इसको इस तरीके से पकड़ते हुए इस तरीके से राइट वाले शोल्डर पर लेकर आऊँगी यहाँ पर। अब यहाँ पर अच्छी तरीके से सेट करना है क्योंकि ये लुक बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आप प्लीट्स का वगैरह ध्यान देते हैं तो बहुत ही सुंदर लगेगा। अब यहाँ पर मैं राइट वाले शोल्डर पर इसको अच्छी तरीके से सेट कर दूंगी। पीछे से आप जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसको सेट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर पल्लू लेना है तो आप खुला रखते हुए पीछे की साइड से सामने की तरफ पल्लू भी ला सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। अगर आपको पल्लू लेना है तो पीछे की साइड थोड़ा बड़ा पोर्शन आपको छोड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर दिया और इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, ये जो प्लीट्स हैं उसको, ये वाला पल्लू का पोर्शन है इसको इस तरीके से अच्छे से सेट करूँगी। यहाँ पर आप चाहे तो
पिन लगाकर इसको इस तरीके से सेट कर दीजिएगा, या फिर ऊपर की तरफ ब्लाउज में या नीचे की तरफ भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो एक इस तरीके का पोर्शन हमारा दिखाई देने वाला है। तो मैंने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया, अच्छी तरीके से उसको सेट कर लिया। अब जो सामने का ये बॉर्डर वाला पोर्शन है, इसको हमें अच्छी तरीके से सेट करना है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से खुला भी रख दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लूँगी ताकि जो पल्लू का पोर्शन है वो अच्छे से उभर कर दिखाई दे, और साड़ी की जो बॉर्डर है जो कि हमने लेफ्ट वाले शोल्डर पर टक कर दी है वो भी अच्छी तरीके से दिखाई दे इसलिए। और मैं इसको हाथ से अच्छी तरीके से प्रेस करते जाऊँगी ताकि जो पल्लू का पोर्शन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए, अच्छी तरीके से दिखाई दे। तो इस तरीके का इसका जो लुक है वो फाइनल लुक आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये लगने वाला है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक सेफ्टी पिन लगा ली है और सेट कर लिया है, और सामने की तरफ भी आप देख पा रहे होंगे कि कितना अच्छा और प्यारा लुक मेरा यहाँ पर आया है। तो किसी भी फंक्शन या पार्टी पर अगर आप ये ड्रैपिंग करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। पीछे की तरफ भी ये बहुत ही सुंदर लगता है, अच्छी तरीके से सेट मैंने कर लिया है। आप चाहे तो उसके ऊपर बाल डालकर उसको हाइड भी कर सकते हैं, या फिर आप पल्लू लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। पीछे की साइड आपको थोड़ा सा फैब्रिक ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा। तो देखिएगा फाइनल लुक इस तरीके से आया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कॉटन की साड़ी ली है और सिल्क का इसका बॉर्डर है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके की साड़ी हो, लेकिन अगर आप अच्छा लुक चाहते हैं तो मैं एक सजेस्ट करूँगी कि बॉर्डर की साड़ी अगर आपकी होगी तो बहुत ही प्यारा लुक लगेगा। तो कितना सुंदर लुक यहाँ पर लग रहा है देखिएगा दोस्तों। किसी भी फंक्शन पार्टी के लिए यह साड़ी रैपिंग बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है और बहुत ही अच्छी लगती है। इस पर अगर हम वेस्ट बैंड वगैरह यूज़ करते हैं तो इस तरीके का लुक आएगा, ये भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो देखिएगा कितना अच्छा और प्यारा लग रहा है किसी भी फंक्शन पार्टी के लिए। आपको ये लुक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो के जो साड़ी रैपिंग स्टाइल है उसको आप मिस ना कर सकें। आप चाहे तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखिएगा इस तरीके का लुक हमारा फाइनल आया है और बहुत ही प्यारा और ब्यूटीफुल लगने वाला है। इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो देखिएगा, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।